तो ये देखें मेरे नाक पर क्या निकला यार, पिंपल ये यहीं पर निकलते हैं यार, पता नहीं क्यों इसकी लग रही है, फेवरेट पूरे फेस में इसकी ये फेवरेट जगह है। सफानी बाजार में और यहाँ पर हैं एक बहुत मशहूर और लजीज मेहमान का नाम पुलाव। हम इसको टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि जो हमने इसके बारे में तारीफ सुनी है वो सही हमने सुनी होगी। चलें दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं। आउटस्टैंडिंग है भाई इसका जो मीट है, मीट स्पेशली ये जो जॉइंट मीट है वो इतना सॉफ्ट और इतना जूसी और इतना मतलब नरम है कि जब वो राइस के साथ और आपके जब मुंह में जाता है ना तो वो एक यमी टेक्सचर देता है। देखें इसके सिर्फ अभी कलर चेक करें यार, सारा गेम भाई इसका, इसके जो जूसेस हैं बहुत ही आला। और देखें ये अच्छी खासी बड़ी जो खुराक है ये एक 150 की प्राइस है और ये एक मैं कहता हूँ कि आराम से आपका पेट भर सकती है, नो डाउट यार, ये बहुत मज़े के हैं। देखें काफ़ी दोस्त बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, खूबसूरत सा एक इन्होंने डेकोरेशन की हुई है अपने इस हॉल की, माशाल्लाह। ये राम है अपना फूड इंजॉय करते हुए। यार देखें यार कितना सॉफ्ट है, उसका ये कलर चेक करें यार। देखें जो कहते हैं ना कि मीट का जो एक्चुअल कलर होना चाहिए वो बिल्कुल ये होना चाहिए, ना कच्चा हो और ना ज़्यादा पका हुआ हो। लेकिन कमाल की बात ये देखें कि इन्होंने मतलब जो मीट है उसको इतना गर्म किया है ना यार, दिल तो कर रहा है कि बस जो मैंने आपको स्टार्ट में ये शॉप दिखाई है ना कि सारा का सारा थाल में खा लूँ, लेकिन वो अलग बात है कि मैं खा नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने अपने पुलाव के बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि मीठा खाना अच्छी बात है, लेकिन जिनको शुगर वो ना खाएं। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है ये ज़बरदस्त सा यहाँ पर फ्रूट चाट। देखें यार
इसके आप मतलब जो इन्होंने ऊपर ये गार्निशिंग की हुई है ड्राई फ्रूट से, और ये आई थिंक इन्होंने ऊपर डाला हुआ है जामिशीरी भाई बहुत फेमस है, और ये मुझे बहुत रिच सा फ्रूट चाट लग रहा है, मतलब क्रीमी और बहुत लजीज होगा मुझे तो वैसे ही लग रहा है। तो ये तो मैं टेस्ट करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। गार्निशिंग की हुई वो एक अलग सा टेस्ट देती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई जान, ठीक ठाक हैं? क्या नाम है भाई जान आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन साहब, तो दोस्तों ये खैबर बाजार में बैठे हैं जमालुद्दीन साहब, जो ज़बरदस्त किस्म की तवा फ्राई कलेजी बनाते हैं। ये देखें यार, वाह वाह वाह, ये तो देख कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जमालुद्दीन साहब आप यहाँ कितने टाइम से बैठे हुए हैं? ये 40 सालों से। 40 सालों से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए 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 यार, ये तो अल्टीमेट चीज़ है भाई, कलेजी और साथ में हरी मिर्चें, और साथ देखें ये इसका मसाला, और जो ये देखें यार। तो जमालुद्दीन साहब जी, आपने मेरे लिए एक प्लेट तैयार कर देनी है ताकि हम आपकी ये जो तवा फ्राई कलेजी है इसको हम टेस्ट करें कि इसका टेस्ट कैसा है। टमाटर डाल दें? हाँ टमाटर वही डाल दें। वाह 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 वाह, साथ में इसके होनी चाहिए क्या, चटनी जो है यहाँ पर। दोस्तों पहले तो ये देखें मेरे नाक पर क्या निकला यार, पिंपल, ये यहीं पर निकलते यार, पता नहीं क्यों इसकी लगता है, ये फेवरेट पूरे फेस में इसकी ये फेवरेट जगह है, पता नहीं क्या। चलें खैर आप इसको करें अवॉइड, और मैं देखें बिल्कुल आप मेरे बैकग्राउंड में देखें कि मैं बिल्कुल मतलब कहते हैं कि बिल्कुल एक खैबर बाज़ार की स्ट्रीट में बैठा हूँ, और यहाँ पर मतलब लोग जो होते हैं ना, मतलब वो कह रहे हैं कि पेशावर का देसी मतलब उसको लोग ट्राई करते हैं, इंजॉय करते हैं, और मैं तो आया हूँ कलेजी खाने, कलेजी ट्राई करने। तो जमालुद्दीन भाई की हम, ये जमालुद्दीन भाई की नहीं लेकिन जो एनिमल है उसकी हम एक कलेजी ट्राई करते हैं, खाते हैं इसका टेस्ट कैसा है। देखिए मैं तो बहुत अच्छी लग रही थी लजीज, और कहते हैं ना कि देखें आप जबरदस्त किस्म की, वाह इंतहाई शानदार, नरम लजीज। और जो एक अच्छा इनके पास होती है दो किस्म की होती है, एक होती है ये ड्राई वाली मतलब बगैर वो देते हैं टमाटरों के, और इन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपको बगैर टमाटरों में चाहिए या टमाटरों में चाहिए, मैं क्या टमाटरों नहीं देते, तो मैं तो इनकी ये ट्राई करूँ टमाटरों वाली जो मसाले वाली होती है। अब इसको मैं बगैर रोटी के ट्राई करता हूँ। वाह
चटनी मैंने से डबोया, चटनी लगाई, इसकी अच्छी शेप आ गई। जबरदस्त किस्म की चीज़ यार, जबरदस्त। और जो इस एक प्लेट की प्राइस है वो है 130 रुपये। तो ये रोटी अटंडी था तकरीबन वही कोई लमसम मतलब 150 रुपये, 150 रुपये इसी प्राइस बनती होगी, 150-140। तो मतलब 150-140 में आप आराम से अपना खाना खा सकते हैं, वो भी लजीज मज़े का टेस्टी। मतलब कहते हैं कि इसमें मतलब स्पाइसेस इन्होंने अच्छे डाले हैं, मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होना, कम स्पाइसी है, लेकिन जो एक तवा फ्राई करने की डिमांड होती है ना वो इन्होंने भाई पूरी की है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी और एफर्ट अच्छी लगी होगी, क्योंकि मतलब हमारे स्ट्रीट फूड है और यहाँ पर मतलब पेशावर का आपको जिनको पता है वो खुशी हो रही मिल सकता नहीं मिल सकते, लेकिन ना मैंने सोचा मैं खुद ही स्ट्रीट फूड कवर करूँगा। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को अपने दोस्त को दुआ में भी याद रखें। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं एक नई लोकेशन पर एक नए फूड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।